हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने डिफेंस ऑडिट कोड के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसके अंदर अपनों ने दोस्तों चैप्टर वन और चैप्टर टू जो है इसका कंप्लीट कर लिया है, राइट। आज दोस्तों अपने चैप्टर वन और चैप्टर टू रिपीट करेंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे इसको। और दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें थी उन दोनों चैप्टर्स के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स जो थे, वो दोस्तों मैंने आपके लिए निकाला है अलग से। उनका दोस्तों पूरे चैप्टर, दोनों चैप्टर्स का निचोड़ है। वो दोनों चैप्टर भले ही किसी ने देखे हो, नहीं देखे हो, ये दोस्तों वीडियो आप स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते। शुरू करते हैं अपने चैप्टर वन का रिवीजन और फिर अपने चैप्टर टू का रिवीजन करेंगे, राइट। चैप्टर वन में दोस्तों 7 पॉइंट मैंने निकाले हैं और चैप्टर टू के अंदर थोड़े से ज़्यादा पॉइंट है क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और इसके बाद दोनों दोस्तों आज ही के वीडियो में ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो अपने चैप्टर थ्री की भी शुरुआत करेंगे, राइट। यस और नो? तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर वन है। सबसे पहले PCDA सदन कमांड जो है, डिफेंस ऑडिट कोड जो है, हमारी किताब जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, डिफेंस ऑडिट कोड। दोस्तों डिफेंस का मतलब है रक्षा, ऑडिट का मतलब दोस्तों लेखा परीक्षा, मतलब जो डिफेंस की हम ऑडिट करते हैं उससे रिलेटेड सारे नियम जो है, सारे कानून जो हैं, वो मतलब जनरल जो नियम है, जो ओवरव्यू है ऑडिट का, वो इसके अंदर दिया गया है, राइट। और दोस्तों हमें पर्टिकुलर, मान लो MES की ऑडिट करनी है, पर्टिकुलर दोस्तों आर्मी की ऑडिट करती हैं, पर्टिकुलर दोस्तों और कोई भी सेक्शन की ऑडिट करनी है, तो उसका पर्टिकुलर दोस्तों एक मैनुअल है। लेकिन ऑडिट कोड जो किताब है, ये ओवरऑल जो है हमें चीज़ें बताएगी, ठीक है। हमें पर्टिकुलर किसी सेक्शन के बारे में जाना है तो दोस्तों उसका पर्टिकुलर मैनुअल हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको ओवरऑल सारी चीज़ें जाननी है ऑडिट के बारे में, तो आपको ऑडिट कोड किताब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर वन के पहला नंबर पॉइंट यही दिया गया है कि PCDA सदन कमांड जो है वो इस किताब को, ऑडिट कोड को अप टू डेट रखता है। और दोस्तों PCDA सदन कमांड किसको रखता है? अकाउंट कोड को रखता है, राइट। और दोस्तों ओएम नंबर वन के पैरा नंबर 500 का मैंने बहुत बार जिक्र किया है, और वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारे जो अपडेट हैं ओएम नंबर 15 तक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर वहाँ से आपका पक्का हो जाएगा, राइट। दो नंबर में क्या बोल दिया गया दोस्तों? ऑडिट जो शब्द है यहाँ पे, ऑडिट कोड है ये, डिफेंस ऑडिट कोड, तो ऑडिट जो शब्द है वो दोस्तों इंटरनल ऑडिट के लिए यूज़ किया गया है, राइट। इंटरनल ऑडिट कौन करता है दोस्तों? DAD ऑफिस करता है, DAD डिपार्टमेंट करता है, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, जिसमें आप और मैं लोग काम करते हैं। किसकी करता है दोस्तों? किसके बिहाफ पर करता है? FADS के, फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज, राइट। तो दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज कौन होता है? जिसको वर्तमान में मैं सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलता हूँ। पहले इनको फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज बोलते थे, और दोस्तों ये सवाल भी पूछा गया है, FADS जो है इनको वर्तमान में उस पोस्ट को क्या बोला जाता है, राइट। दोस्तों हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट CGDA है, और दोस्तों CGDA से जस्ट ऊपर जो है वो FADS है, राइट। तो ये दोस्तों ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है। ड्यूअल कैपेसिटी में कैसे दोस्तों? क्योंकि एक तो ये चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है डिफेंस सर्विसेज का, ठीक है, और दोस्तों ये रिप्रेजेंटेटिव है MOD फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको दो ड्यूटीज़ दी गई हैं। तीसरा नंबर चलिए दोस्तों क्या है? DAD इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट टू द CAG। फ्रेंड्स, जो CAG जो है उसके अंडर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं जो उनको CAG जो है कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है उनको प्रशासनिक तौर पे, ठीक है, उनको रूल्स और ऑर्डर्स देना। लेकिन DAD जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो सब ऑर्डिनेट नहीं है CAG का, कि CAG का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उसके कोई नियम कानून हम पे नहीं चलते हैं। CAG दोस्तों एकमात्र काम करता है यूनिट्स का, आर्मी यूनिट्स का, वो है उसकी टेस्ट ऑडिट करना, ठीक है। हम करते हैं इंटरनल ऑडिट, वो करेगा टेस्ट ऑडिट। चार नंबर में देखिए दोस्तों, स्टैचूटरी ऑडिट जिसको बोलते हैं, टेस्ट ऑडिट को, स्टैचूटरी ऑडिट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एक्सपेंडिचर इज अ टेस्ट ऑडिट, ठीक है। ये ओनली दोस्तों टेस्ट चेक है, ठीक है, ये दोस्तों ओनली टेस्ट चेक है, राइट। स्टैचूटरी ऑडिट जो है डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर का, ये ओनली टेस्ट चेक है। करते कौन है दोस्तों? CAG वाले, ठीक है, और इसको बोल सकता हूँ CAG के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। CAG के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन हुए दोस्तों? जो DGADS है, राइट। तो DGADS जो है दोस्तों टेस्ट ऑडिट, स्टैचूटरी ऑडिट करते हैं। नंबर पाँच पे चलते हैं, DGADS ऑडिट ऑल सेंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द MOD, राइट। अब दोस्तों ये बात लिखी हुई है चैप्टर नंबर वन में कि ये संघवी सेंक्शंस की ऑडिट करता है। सेंक्शंस क्या होती है दोस्तों? सेंक्शंस एक अथॉरिटी है जिसके बेस पे आपको कोई भी काम करने की परमिशन दी जाती है, राइट। मैं दोस्तों दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ ये डिपार्टमेंट छोड़ के, तो मुझे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट मुझे NOC देगा, डिपार्टमेंट मुझे सेंक्शन देगा, तो वो मेरी क्या हुई? सेंक्शन हुई, राइट। मैं दोस्तों डेपुटेशन पे जाना चाहता हूँ दूसरे डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट मुझे क्या देगा? सेंक्शन देगा, राइट। तो दोस्तों हर एक काम करने की जो अथॉरिटी है, हर एक काम करने की जो पेपर है जिसके बेस पे मैं वो काम करूँगा, उसको मैं सेंक्शन बोलता हूँ, राइट। DGADS जो है सभी सेंक्शंस की ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर देती है, राइट। छठा है दोस्तों कंटोनमेंट फंड अकाउंट जो है उसकी ऑडिट कौन करता है? DAD,
राइट। कंटोनमेंट फंड अकाउंट दोस्तों क्या होता है, कंटोनमेंट क्या होता है दोस्तों, उसका फिर फंड अकाउंट क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 1 आप देखिए जाके, उसके अंदर आपको पता चलेगा कंटोनमेंट को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। कंटोनमेंट बोर्ड होता है जहाँ पे एक आर्मी एरिया होता है राइट, तो वहाँ पे दोस्तों कंटोनमेंट फंड को कुछ जिम्मेदारी दी गई है। एक बोर्ड बनाया गया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे 60 से ज़्यादा लगभग कंटोनमेंट बोर्ड हैं राइट, और उनकी दोस्तों ऑडिट की जिम्मेदारी DAD को दी गई है राइट। और दोस्तों उनकी टेस्ट ऑडिट नहीं होती है, टेस्ट ऑडिट का मतलब है स्टैचूटरी ऑडिट जो CAG करता है राइट। और दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड जो है ऑडिट फीस पे करता है DAD को कि भैया आपने हमारी ऑडिट करी, लो इसकी ऑडिट फीस। अब दोस्तों जो ऑडिट फीस आएगी ये कौन से सेक्शन में जाएगी, M सेक्शन को। और दोस्तों ये ऐसी लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको छोड़ने का रिस्क आप नहीं ले सकते, क्योंकि 100% दोस्तों ये लाइनें पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं राइट। OM1 का पैरा नंबर 500, कंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड बातें कौन सा सेक्शन करता है, स्टैचूटरी ऑडिट से रिलेटेड बातें राइट। तो ये दोस्तों ये तो आपको याद रखनी ही है, कौन सा सेक्शन करेगा दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड की जो ऑडिट फीस आएगी उससे रिलेटेड अकाउंट्स को कौन मेंटेन करेगा, M सेक्शन, वहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। 7 नंबर पॉइंट में क्या बता रहा हूँ, PCDA CDA शुड नॉट एड्रेस सर्विस हेडक्वार्टर और MOD फाइनेंस डायरेक्ट। अब ये क्या है दोस्तों, PCDA CDA जो है उसका चैनल है दोस्तों CGDA के थ्रू राइट। PCDA CDA रीजनल कंट्रोलर और PCDA को प्रिंसिपल कंट्रोलर बुक्स के अंदर लिखा गया है, प्रिंसिपल कंट्रोलर और रीजनल कंट्रोलर दोस्तों इनका चैनल जो है CGDA राइट। और फिर ये दोस्तों है FADS ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मान सकते हो आप रक्षा मंत्री, मान लो डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सचिव ठीक है, तो वो सारी पोस्ट इसके ऊपर आ जाती है ठीक है। हमारा काम ओनली FADS तक पड़ता है, MOD फाइनेंस का काम राइट, येस और नो। तो इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, PCDA CDA जो है वो सीधा सर्विस हेडक्वार्टर को और MOD फाइनेंस को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब बात नहीं कर सकते आप क्वेश्चन नहीं सॉरी ऑन क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, कोई भी रूल्स का इंटरप्रिटेशन करना है, प्रोसीजर का इंटरप्रिटेशन करना है, उस पर क्वेश्चन करना है, हायर ऑडिट या फाइनेंशियल एडवाइस से रिलेटेड जो बातें हैं PCDA CDA दोस्तों अपने सर्विस हेडक्वार्टर और MOD फाइनेंस से डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, ओनली रूटीन मैटर पर कर सकते हैं। ये अपने डिफेंस अकाउंट कोड का चैप्टर नंबर 1 में पड़ा है राइट। अब दोस्तों सर्विस हेडक्वार्टर क्या होता है, सर्विस हेडक्वार्टर दोस्तों आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो दिल्ली के अंदर ऑफिस है उनको मैं सर्विस हेडक्वार्टर बोलता हूँ राइट। अभी दोस्तों अग्निपथ स्कीम जो है उसका सिस्टम जो चल रहा है, अभी सरकार ने निकाली है न्यू रिक्रूटमेंट रूल जो है आर्मी के अंदर, तो उसके अंदर दोस्तों आपने देखा होगा आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो तीनों के हेड जो हैं उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था राइट। तो दोस्तों वो क्या थे, वो सर्विस हेडक्वार्टर से आए थे राइट। आगे चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के 7 नंबर पॉइंट तक आपको कंप्लीट करवाया है, चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 पर अपने पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट राइट। जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जनरल रूल्स हैं ऑडिट के राइट। कौन कौन से हैं देखिए जरा, एक नंबर पे है दोस्तों द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज राइट। दोस्तों प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑडिट का, कि वेरीफाई करनी है एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस किसके अकाउंट्स की दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज के अकाउंट्स की राइट। सेकेंड है दोस्तों प्राइमरी फंक्शन हमें समझ में आ गया, दूसरा है इन ऑडिटिंग डिफेंस सर्विसेज अकाउंट्स, जब आप डिफेंस सर्विसेज के अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हो ऑडिट शुड नॉट मेक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सनल ऑफ द डिफेंस सर्विसेज राइट। दोस्तों आप पर्सनल इंक्वायरी किसी से नहीं कर सकते ठीक है, पर्सनल आप दोस्तों क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते किसी भी पर्सनल पे, किसी भी इंडिविजुअल पे राइट। दोस्तों आप पूरी संस्था को, पूरी फर्म को, पूरी एस्टेब्लिशमेंट को आप क्वेश्चन कर सकते हो राइट, लेकिन आप पर्सनल इंक्वायरी नहीं कर सकते, एक बात आपको याद रखनी। अब दोस्तों ये लाइनें कहाँ काम आएगी बता देता हूँ आपको क्वेश्चन के रूप में, एक लाइन ये दे देगा, एक लाइन ये दे देगा ठीक है, एक नंबर पॉइंट, दो नंबर पॉइंट। अब दोस्तों ऑप्शन कैसे पूछेगा, कथन नंबर 1 सत्य है, कथन नंबर 2 सत्य है, कथन नंबर 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं, और कथन नंबर 1 तथा 2 दोनों सत्य नहीं है ठीक है। अब ये दोस्तों इस हमेशा दोस्तों ये जैसे ये फैक्ट है ठीक है, M सेक्शन इसको ऑडिट फीस को क्या करता है, सेटलमेंट करता है, लेकिन दोस्तों इन लाइनों का कैसे यूज़ होगा, इन लाइनों का कथन सत्य है और सत्य है इस तौर पे इसका यूज़ किया जाएगा राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों 3 नंबर पॉइंट पे, ये देखिए दोस्तों 3 नंबर पॉइंट है विदाउट द सेंक्शन ऑफ द CGDA, दोस्तों CGDA की सेंक्शन के बिना PCDA CDA विल नॉट टेक अप द ऑडिट ऑफ एनी अकाउंट्स विच डू नॉट फॉल विद इन द स्पीयर ऑफ इट्स ऑडिट ऑफ ड्यूटीज। दोस्तों क्या होता है, PCDA CDA जो है, PCDA CDA जो है दोस्तों इनको डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल भी बोला जाता है, DAC डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल। दोस्तों डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल क्या होता है, दोस्तों सर्कल क्या होता है, सर्कल एक दोस्तों एक एरिया हो गया, एक परिधि हो गई, एक त्रिज्या से दोस्तों एक अपने एक निश्चित माप की त्रिज्या से दोस्तों एक सर्कल स्फीयर बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, तो दोस्तों एक एरिया बन जाएगा राइट। तो दोस्तों उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी जो है वो मेरे PCDA CDA को दी गई है राइट। अब दोस्तों ऐसी यूनिट्स हैं, ऐसा एरिया है जो PCDA CDA के परव्यू में नहीं आता राइट, विच डज नॉट फॉल विद द स्पीयर ऑफ इट्स ड्यूटी ऑफ ऑडिट। जो काम दोस्तों PCDA CDA को दिया गया है उनकी ड्यूटीज़ के अंदर वो एरिया ऑडिट का नहीं आ रहा है राइट। तो दोस्तों उस केस में CGDA की सेंक्शन के बिना PCDA उस काम को हाथ नहीं लगाएगा
ठीक है, तो मोटा मोटी बात ये दी गई है, राइट। अब दोस्तों अब इसका ये भी कथन और सत्य असत्य के रूप में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर चार पे चलिए दोस्तों, सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स विच आर एप्लीकेबल टू डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों सैंक्शन हैं और ऑर्डर्स जो हैं विच आर एप्लीकेबल टू डिफेंस सर्विसेज, एक सेकेंड, सेंक्शंस एंड ऑर्डर्स विच आर एप्लीकेबल टू डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों कुछ सेंक्शंस जो होगी, सेंक्शंस आपको बताया क्या होती है, एक अथॉरिटी है, राइट। कुछ ऑर्डर्स होंगे दोस्तों, कुछ आदेश आए होंगे, विच आर एप्लीकेबल टू डिफेंस सर्विसेज, तो डिफेंस सर्विसेज पे लागू होते हैं। इशू कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। एक बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी बात डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, विद द कंकरेंस ऑफ MOD फाइनेंस, राइट। अब क्या करता है दोस्तों, सेंक्शंस और ऑर्डर्स जो हैं कौन इशू कर रहा है, ये दोनों आर कम्युनिकेटेड बाय देम डायरेक्ट टू द PCDCDA। देम का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विसेंट विद डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये दोस्तों डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं PCDCDA से, राइट। समझ में आई इतनी बात? इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनको बात करनी होगी तो ये CGDA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस, FADS, इनको दोस्तों इनके थ्रू आना इसके पास सैंक्शन का ज़रूरी नहीं है। PCDCDA को ये डायरेक्ट पत्र भेज देंगे कि हाँ ये सैंक्शन है, ये आदेश है, आप इसको लागू करो, राइट। इसके दो नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, सिमिलर सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स। सिमिलर सैंक्शन और ऑर्डर कौन सी दोस्तों? ऐसी ही मान लो कि सैंक्शन और ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन्होंने दी थी, ऐसी ही दोस्तों सैंक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय अथॉरिटीज लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, एक था वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर ली कि और इनके डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली कि PCDCDA को डायरेक्ट करेंगे, और दोस्तों ऐसी ही सैंक्शन जो है ओनली लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दिया यहाँ पे, राइट है। आर कम्युनिकेटेड डायरेक्ट टू द PCDCDA बाय सच अथॉरिटीज। अब दोस्तों चार नंबर पॉइंट जो था, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसको आप मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को मान लो दोस्तों दो नंबर लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो डायरेक्ट जो है PCDCDA को रेफर करेगी सैंक्शंस को, मतलब कम्युनिकेट करेगी। अब दोस्तों जो वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस थी इनके अंदर दोस्तों थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है कि मतलब ये डायरेक्ट तो करेगी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन इसके अंदर दोस्तों कुछ एक्सेप्शन है, तीन पॉइंट के एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है देखिए, कि कम्युनिकेशन में दोस्तों थोड़ा सा क्या है, गैप है, राइट। क्योंकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सैंक्शन आएगी या उसका ऑर्डर आएगा तो वो दोस्तों रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ IHQ MOD आर्मी के थ्रू आएगा, राइट। दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोई सैंक्शन है, कोई ऑर्डर है, राइट, वो क्या करेगा, अब कोई रेस्पेक्टिव ब्रांच को दे देगा, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बोलते हैं दोस्तों IHQ को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर आर्मी के कोई भी ब्रांच को दे देगा, वो दोस्तों PCDCDA को आगे रेफर करेगा। ऐसे दोस्तों चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के जरिए कि वो किसी, उसने अथॉरिटी किसी को एम्पावर कर दिया कि आप साइन कर दीजिए मेरे बिहाफ पे और आप सैंक्शंस को जो कहें इंटीमेट कर दीजिए जिसको आपको इंटीमेट करना है, यहाँ पे PCDCDA है तो PCDCDA को, राइट। नंबर तीन पॉइंट है दोस्तों चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करूँ मैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करूँ मैं तो ये सेम लाइन यहाँ पे आ जाएगी कि अथॉरिटी जिसको एम्पावर किया है अपने बिहाफ पे साइन करने के लिए वो PCDCDA को क्या है, कम्युनिकेट करेगी, राइट, येस और नो। अब दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन शब्द आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ये सैंक्शन का कम्युनिकेशन था। आगे चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पे दोस्तों सैंक्शंस की ऑडिट आएगी, राइट, येस और नो। आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स, द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शंस इज कंडक्टेड बाय द DGADS। अब दोस्तों चैप्टर वन के पाँच नंबर पॉइंट में क्या था, चैप्टर वन के दोस्तों पाँच नंबर पॉइंट में ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शंस जो है MOD के अंदर उसकी दोस्तों ऑडिट जो है DGADS करता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शंस इज कंडक्टेड बाय DGADS, तो दोस्तों MOD यहाँ पे राइट अंडरस्टूड है। इसके मतलब अगर भले ये पूछ ले, भले ही वो पूछ ले, MOD लगाए चाहे ना लगाए, आपको दोस्तों DGADS टिक करके आना है, राइट। ऑल कोड्स, सभी कोड्स, रेगुलेशंस, सारे रेगुलेशंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द DGADS एंड द CGDA एंड नीड नो फर्दर स्क्रूटिनी बाय द PCDCDA। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शंस की ऑडिट जो DGADS करता है, राइट। अब दोस्तों एक तो हुआ सैंक्शंस, अब दोस्तों बहुत बारीक से देखना है यहाँ पे चीज़ें, चार शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे भी दोस्तों इस चैप्टर में चार चार शब्द मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो आ गया सैंक्शंस, एक आ गया दोस्तों कोड्स, एक आ गया रेगुलेशंस, एक हो गया दोस्तों स्टैंडिंग ऑर्डर्स, राइट। अब दोस्तों सैंक्शंस की जब बात करेगा, राइट, जब दोस्तों सैंक्शंस की बात करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो तो कंडक्ट करेगा उसकी सैंक्शंस की ऑडिट तो DGADS, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे सैंक्शन नहीं लिया इसने, यहाँ पे ले लिया कोड्स, रेगुलेशंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उनकी दोस्तों स्क्रूटिनी की बात कर रहा है वो DGADS और CGDA करेगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शंस की जो ऑडिट है, स्क्रूटिनी है, वो DGADS करता है, राइट।
यहाँ पे दोस्तों CGDA और DGADS दोनों को पावर दे दी सेंक्शन के अलावा जो तीन चीज़ें थी, राइट। आगे क्या बोल दिया, नीड नो फर्दर स्क्रूटिनी बाय द PCDCDA, ठीक। PCDCDA को अधिकार नहीं है कि इनकी स्क्रूटिनी करे, वहाँ पे उन PCDCDA को ऑर्डर आ गया, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, इतना से इनका काम है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, छह नंबर पॉइंट में क्या दिया गया, पैरा नंबर 23 में। अब दोस्तों किताब में पैरा नंबर 23 जाओगे या मैंने पढ़ाया चैप्टर 2 के पैरा नंबर 33 में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेंक्शंस के कम्युनिकेशन की बात है, ठीक है। और दोस्तों पैरा नंबर 24 तथा 25 में सेंक्शंस के ऑडिट की बात है, राइट। पैरा नंबर 23 में तो दोस्तों सेंक्शंस के कम्युनिकेशन की बात है, पैरा नंबर 24 तथा 25 में सेंक्शंस के ऑडिट की बात है, राइट। अब दोस्तों सेंक्शंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंकरेंस लेते हैं MOD फाइनेंस की, वो दोस्तों कम्युनिकेट करते हैं उन सेंक्शंस को डायरेक्ट PCDCDA को, ये बात अपनी अपनी पड़ी, राइट। और दोस्तों सेंक्शंस जो है लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका दोस्तों कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है PCDCDA से, राइट। इसमें दोस्तों एक एक्सेप्शन था कि आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इनकी इनमें तो रेस्पेक्टिव ब्रांच से आएगा, ये दोस्तों इनके बिहाफ पे जो साइन करने वाला इंसान होगा वो इसको कम्युनिकेट करेगा, राइट। अब दोस्तों सेंक्शन का कम्युनिकेशन था, अब आ गया ऑडिट ऑफ सेंक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर कन्फ्यूज नहीं होना है। अब ऑडिट ऑफ सेंक्शंस इशूड बाय अथॉरिटी लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ था ऑडिट ऑफ सेंक्शंस इशूड बाय अथॉरिटीज लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ था दोस्तों कम्युनिकेशन ऑफ सेंक्शन इशूड बाय लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। येस और नो दोस्तों, सेम लग सकता है ये, अब आपको बातें, लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंक्शन का कम्युनिकेशन था, लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट ऑफ सेंक्शन है, राइट। ऑडिट ऑफ सेंक्शंस इशूड बाय अथॉरिटी लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की अथॉरिटी जो है उसकी ऑडिट की सेंक्शंस, राइट। द CAG और CGDA, द ऑडिट ऑफ सेंक्शंस इशूड बाय अथॉरिटी लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द CAG, DGADS और CGDA डिवॉल्व्स ऑन PCDCDA, राइट। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखिए, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंक्शंस इज कंडक्टेड बाय DGADS, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन की ऑडिट की बात करनी है तो DGADS करेगा, राइट। अगर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की जो अथॉरिटी है ऑडिट, दोस्तों ये किताबों में आपको समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब ये अथॉरिटी आपको कोई और पैरा में मिलेगी, ये अथॉरिटी चार पेज बाद में मिलेगी, तीन पेज बाद में, तो वो पढ़ेगा तो दोस्तों ये चीज़ें भूल जाओगे, इसलिए दोस्तों ये कंपैरिजन करके मुझे पढ़ाना पड़ता है, राइट। इसको दोस्तों पेंसिल से लिखने का भी एक रीज़न है ताकि चीज़ें एक साथ आ जाए, ठीक है। स्केच से दोस्तों स्पेस ज़्यादा होता है, राइट, इसलिए दोस्तों पेंसिल से इसको लिखता हूँ मैं, राइट। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, PDF ऐसे एग्जामिनेशन में, राइट। इसको मैं बोल कर भी आपको बार बार बता रहा हूँ, आई थिंक लाइटिंग भी ठीक है, राइट। येस और नो, तो दोस्तों दोबारा सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंक्शंस की बात आएगी तो वो दोस्तों DGADS करेगा, राइट। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की अथॉरिटी के ऑडिट की सेंक्शन की बात आएगी, सेंक्शन की ऑडिट की बात आएगी, दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की अथॉरिटी के जो सेंक्शन होगी उनकी ऑडिट की बात आएगी, तो दोस्तों CAG जो कि DGADS, इसको बोलता हूँ मैं, सिनोनिम है दोनों, और CGDA डिवॉल्व्स ऑन PCDA, इसका मतलब ये है कि वो PCDCDA जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की अथॉरिटी की सेंक्शन आएगी तो उसकी ऑडिट करने के लिए, राइट। अब दोस्तों एक पर्टिकुलर बता दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की अथॉरिटी दोस्तों हमारे MOD के अंदर क्या है, ठीक है। हमारे MOD के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस हेडक्वार्टर है, राइट। और दोस्तों अपने को किसी से लेना देना नहीं है, CAG के अंदर होते तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, CAG के और दोस्तों बहुत सारे ऑफिस हुए मान लो और तमाम तरीके की चीज़ें, लेकिन दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ओनली डिफेंस हेडक्वार्टर जो है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे की लोअर अथॉरिटी है जिसकी सेंक्शन वगैरह आती है, राइट। येस और नो, ऑल सेंक्शंस अकॉर्डेड बाय द डिफेंस हेडक्वार्टर्स शुड बी ऑडिटेड बाय द PCDCDA, और दोस्तों ये सवाल प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सके, राइट। समझ में आए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन DGADS, लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PCDCDA करेगा, राइट। और दोस्तों उसके अंदर पर्टिकुलर जो डिफेंस हेडक्वार्टर की सेंक्शन आएंगी वो दोस्तों PCDCDA की ऑडिट करेगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आठ नंबर पे ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक मनी के सारा एक्सपेंडिचर जो है विच इज़ नॉट ऑथोराइज्ड बाय द रेगुलेशंस और अदर ऑर्डर्स रिक्वायर द सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मोटा मोटी बात ये है, पेपर के अंदर ऐसा ही सेम लाइन पूछेगा कि सारा एक्सपेंडिचर पब्लिक मनी का जिस भी कोई अथॉरिटी नहीं है, जो ऑथोराइज नहीं हुआ है पार्लियामेंट की वोटिंग से, राइट। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज डिस्कस करेंगे अपने, मैं बताऊंगा कैसे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है और कैसे ऑथोराइज होता है, राइट। तो वही बात बोला गया है कि मान लो कोई फंड ऐसा पड़ा है, कोई फंड ऐसा रखा है कि जिसकी वो अथॉरिटी नहीं है उसको खर्च करने की, राइट। तो हमें दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन उसके अंदर चाहिए, राइट। यस और नो, आया ना समझ में आ रही दोस्तों बातें। नंबर 9 नंबर पे चलिए, एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द PCDCDA, दोस्तों PCDCDA का ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर ऑफ सेंक्शन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑडिट अनलेस इट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंक्शनिंग अथॉरिटी। दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो है ऑडिट, तीन चीजें हैं ऑडिट, एक है दोस्तों सेंक्शनिंग अथॉरिटी, एक है दोस्तों PCDCDA। अब दोस्तों मेरे पास ऑडिट का मतलब क्या है,
ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट आया, कोई भी बिल आया, कोई भी ऐसी चीज़ आई जिसकी मुझे ऑडिट करनी है, ठीक है, बिल्स मान लो कोई भी क्लेम आया, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर मैं क्या देखता हूँ, जब वो मेरे पास क्लेम आया है तो या तो PCDA CDA का ऑर्डर है, ठीक है, तब मैं दोस्तों उसको यूज़ कर लूँगा इसकी ऑडिट करने के लिए, राइट, वो सेंक्शन यूज़ कर लूँगा, या दोस्तों सेंक्शनिंग अथॉरिटी से डायरेक्ट मेरे पास आई होगी तो उस सेंक्शन को यूज़ कर लूँगा, राइट। अब दोस्तों यही बात इसके अंदर बोली गई, एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ द PCDCDA, राइट। दोस्तों PCDCDA का ऑर्डर नहीं है, नंबर एक बात, नो ऑर्डर ऑफ सेंक्शन शैल बी एक्सेप्टेड, तो कोई भी ऑर्डर जो है सेंक्शन का वो ऑडिट के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। दूसरा दोस्तों बोल दिया, अगर सेंक्शनिंग अथॉरिटी से भी, अनलेस इट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंक्शनिंग अथॉरिटी, अगर अनलेस का मतलब नेगेटिव सेंट है, अगर सेंक्शनिंग अथॉरिटी ने भी वो सेंक्शन नहीं दी है तो भी मुझे ऑडिट के अंदर इसको यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों उसका उल्टा सोचिए, ठीक है, या तो PCDCDA मुझे सेंक्शन दे दे या सेंक्शनिंग अथॉरिटी मुझे सेंक्शन दे दे तो मैं ऑडिट के अंदर उस सेंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, राइट। मोटा मोटी बात ये है। आगे चलिए दोस्तों 10 नंबर पे क्या बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर पे, द क्वांटम ऑफ ऑडिट मे बी सुटेबली इंक्रीज्ड अंडर द पर्सनल ऑर्डर ऑफ द PCDCDA। अब दोस्तों सवाल ऐसे पूछेगा, क्वांटम ऑफ ऑडिट मे बी इंक्रीज्ड अंडर पर्सनल ऑर्डर ऑफ विच एजेंसी, तो आपको आंसर लगाना है PCDCDA, राइट। तो क्वांटम ऑफ ऑडिट मे बी सुटेबली इंक्रीज, क्वांटम ऑफ ऑडिट दोस्तों मतलब समझते हो आप, क्वांटम दोस्तों ये फिजिक्स का शब्द है, राइट। क्वांटम का मतलब है दोस्तों ऐसे समझ सकते हो किसी भी चीज़ की तीव्रता, मतलब दोस्तों यहाँ पे ऐसे समझिए, मान लो पहले मैं 10 पेज ऑडिट कर रहा था, ठीक है, तो वो बोल देगा कि आप 15 पेज ऑडिट कर लो, ठीक है। मान लो मैं पहले 5 नियम देख रहा था तो वो कह देगा 10 नियम देख लो, मतलब उसकी ऑडिट की जो है क्वांटम क्यों बढ़ाई गई है, पहले तो आप ये देखिए, राइट। तो क्वांटम ऑफ ऑडिट मे बी सुटेबली इंक्रीज अंडर अ पर्सनल ऑर्डर ऑफ द PCDCDA टू द एक्सटेंट दैट दे मे ऑर्डर एट हिज डिस्क्रिप्शन वेयर द स्टेट ऑफ अकाउंट्स इज अनसेटिस्फैक्ट्री। जब दोस्तों PCDCDA को ऐसा लगता है कि कोई भी अकाउंट जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, राइट, तो दोस्तों क्वांटम ऑफ ऑडिट बढ़ा देंगे, उसका मैंडेट बढ़ा देंगे, ज़्यादा ऑडिटर्स लगा देंगे, ज़्यादा दोस्तों कड़े नियम कानून उन पर लगाए जा सकते हैं, राइट दोस्तों, क्योंकि उस केस में इंटीग्रिटी दाव पर लग जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी स्टेट की, यहाँ पर स्टेट दिया गया है तो स्टेट मान सकते हो। 11 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, इफ़ ए PCDCDA डिजायर्स टू रिलैक्स ऑडिट टेम्पोरेरीली। अब दोस्तों PCDCDA जो है किसी भी ऑडिट को रिलैक्स करना चाहते हैं कि हाँ वो चाहते हैं कि ऑडिट नहीं होगी, राइट, विच कंसर्न हिज ऑन ऑफिस और हिज सबऑर्डिनेट ऑफिस, राइट। तो दोस्तों खुद का ऑफिस हो सकता है या कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस हो सकता है, तो उस केस के अंदर ही शुड इनवेरिएबली रेफर द केस टू द CJDA फॉर कंकरेंस। तो वो दोस्तों CJDA को रेफर करेगा वो केस, और दोस्तों उसकी कंकरेंस लेगा, उसकी सेंक्शन लेगा, तब वो चीज़ें कर सकता है, राइट। ये लाइन भी पूछी जा सकती है। 12 नंबर में क्या दिया गया, एस्टैब्लिशमेंट बिल्स ऑफ द DAD आर ऑडिटेड बाय PCDA पेंशन। अब दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट बिल का मतलब क्या है, DAD स्टाफ के जो ऑल इंडिया जो पेमेंट्स जो बिल्स हैं दोस्तों, तमाम तरीके के TA DA कंटिजेंट बिल, किसी भी प्रकार का बिल, उनकी पोस्ट ऑडिट जो है PCDA पेंशन प्रयागराज करता है। और दोस्तों PCDA पेंशन प्रयागराज के जो एस्टैब्लिशमेंट के बिल्स है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनके पोस्ट ऑडिट जो है CDA पटना करता है, सॉरी, राइट, CDA पटना से दोस्तों मैप को आपको याद आया, मेरठ पटना गुवाहाटी, राइट। एक दोस्तों क्या याद किया था, जब सिकंदर चेन्नई गया, जबलपुर सिकंदराबाद और चेन्नई, 6 दोस्तों ये रीजनल CDA आपको मैंने याद करवाए थे, राइट, ये आ गया CDA पटना, राइट। आगे चलते दोस्तों 13 नंबर पॉइंट पे। आगे चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, प्रोविजनल पेमेंट। दोस्तों प्रोविजनल पेमेंट क्या होती है, पेमेंट्स मेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस इन एंटीसिपेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एक नंबर बात क्या बोल रहा है दोस्तों, पेमेंट कर रहा हूँ कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर, और कौन दोस्तों क्या पूर्वानुमान लगा दिया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है, वहाँ से सेंक्शन आ जाएगी, राइट। तो मोटा मोटी बात यह है दोस्तों, बिना सेंक्शन के मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो वो मेरी प्रोविजनल पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट नहीं है। दोस्तों दो प्रकार की पेमेंट है, आपकी तनख्वाह आ रही है वो रेगुलर है, अभी रेगुलर पे बिल बनते हैं, रेगुलर आपकी पेमेंट आ रही है। लेकिन दोस्तों जब आपका मान लो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों मान लो एक साउथ वेस्टर्न कमांड से सदर्न कमांड के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो गया, या दोस्तों वेस्टर्न कमांड से हो गया या सेंट्रल कमांड से हो गया, राइट, या सदर्न कमांड से दोस्तों ट्रांसफ़र हो गया आपका सेंट्रल कमांड लखनऊ में, राइट। तो दोस्तों एक कमांड से जब आप दूसरे कमांड में गए तो दोस्तों प्रीवियस कमांड जो थी पहले आपके पे एंड अलाउंसेस देख रही थी, अब दोस्तों आप सदर्न कमांड से सेंट्रल कमांड में आ गए या साउथ वेस्टर्न कमांड से सदर्न कमांड में आ गए, तो पहले दोस्तों मान लो साउथ वेस्टर्न कमांड आपका पे एंड अलाउंसेस देख रही थी, अब दोस्तों सदर्न कमांड देखेगी, तो दोस्तों क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, साउथ वेस्टर्न कमांड जो है आपकी LPC जो है सदर्न कमांड को सेंड करती है। LPC का मतलब लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, आपको लास्ट पेमेंट कितना हुआ है, और या कोई आपके एडवांसेस तो ड्रॉन अगेंस्ट आपके आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो सारी डिटेल उसके अंदर रहेगी, ये सर नो। तो दोस्तों जब तक वो LPC नहीं आती है तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है इंडिविजुअल को, राइट, कि इंडिविजुअल को अंडरटेकिंग दे दी तो दोस्तों वही है कि सैंक्शन नहीं है, LPC यहाँ पे सैंक्शन का काम करेगी, राइट। तो दोस्तों अंडरटेकिंग देके उसको प्रोविजनल पेमेंट करनी पड़ती है, राइट, और दोस्तों जब LPC आ जाएगी तब उसका दोस्तों एक दो महीने टाइम लगता है, तो बाद में इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये हो गया, या दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एडिशनल अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, कोई भी फंड मैंने अलॉट किया वो खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है, मान लो किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए खर्च होने थे लेकिन दोस्तों 5.5 लाख रुपए हो गए, राइट,
पहले एस्टिमेट जो लगाया था 5 लाख का था, अभी 5.5 लाख रुपये खर्च हो गए, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा होंगे वो उसको भी मैं प्रोविजनल पेमेंट बोल सकता हूँ, राइट? टू कवर द एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रोविजनल पेमेंट। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, पेमेंट्स मेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, पेमेंट्स करी है दोस्तों आपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, और दोस्तों क्या एंटिसिपेट किया है? द रिसिप्ट ऑफ द सेंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, राइट? यस और नो, कि हाँ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सेंक्शन मेरे पास आ जाएगी, राइट? या फिर दोस्तों एडिशनल अलॉटमेंट कर दिया फंड्स का टू कवर द एक्सपेंडिचर, तो उसको मैं बोल दूँ प्रोविजनल पेमेंट। आगे क्या बोल रहा दोस्तों, प्रोविजनल पेमेंट्स विल बी मेड ओनली अंडर द पर्सनल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द PCDCDA, राइट? अब दोस्तों PCDCDA आ गया, तो आपको वो चार्ट याद होना चाहिए, ADJT वाला, ADJT, ACDA, DCDA, JTCDA, ठीक है? फिर क्या जाएगा दोस्तों, एडिशनल CDA, PCDA, राइट? तो क्या बोलता है दोस्तों, PCDCDA के जो डिस्क्रिप्शन पे और उस दोस्तों उसके पर्सनल ऑर्डर पे प्रोविजनल पेमेंट की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो प्रोविजनल पेमेंट के लिए, वो PCDCDA है मेरा, राइट? समझ में आई दोस्तों बातें? अगला है दोस्तों, PCDCDA डेलीगेट कर सकता है पावर को, प्रोविजनल पेमेंट की पावर को, किसको दोस्तों? एडिशनल को या जॉइंट CDA को, राइट? जो दो रैंक, जस्ट दो रैंक जो ऊपर है, या कोई दोस्तों IDAS ऑफिसर को जो फंक्शन कर रहा है एज ए ग्रुप ऑफिसर। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रह जाएगा एडिशनल और जॉइंट, ये आप भूल जाओगे तो इसको स्टार मार्क कर लो यहाँ पे, कि जो IDAS ऑफिसर जो है फंक्शनिंग कर रहा है ग्रुप ऑफिसर के तौर पे, वो भी क्या करता है, कर सकता है प्रोविजनल पेमेंट को ऑथराइज कर सकता है, राइट? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इन नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात में नहीं, विल ए प्रोविजनल पेमेंट बी मेड ऑन एन अंडरटेकिंग बाय द इंडिविजुअल कंसर्न दैट ही विल रिफंड द अमाउंट इफ रिक्वायर्ड टू डू सो। दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल जो है अंडरटेकिंग देखिए कि हाँ मैं इस अमाउंट को रिफंड कर दूंगा, राइट? तो उस केस में दोस्तों उसको प्रोविजनल पेमेंट नहीं की जा सकती। दोस्तों जब इंडिविजुअल ट्रांसफर होगा, राइट, तो उस केस के अंदर दोस्तों जब तक उसकी LPC नहीं आएगी, तो दोस्तों एक एप्लीकेशन देगा वो, ठीक है? तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि मैं रिफंड कर दूंगा, राइट? तो दोस्तों वो एप्लीकेशन उसको ऑथराइज है, राइट? यस और नो, एप्लीकेशन देख के वो अपनी प्रोविजनल पेमेंट ले सकता है जब तक उसकी रेगुलर पेमेंट स्टार्ट नहीं होती, राइट? आगे चलिए दोस्तों, 14 नंबर, PCDCDA और एक्स ऑफिशियो फाइनेंशियल एडवाइजर्स। एक्स ऑफिशियो दोस्तों बताया था मैंने आपको, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ द राज्यसभा, राइट, अपर हाउस। तो दोस्तों PCDCDA है वो क्या है, एक्स ऑफिशियो क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। दोस्तों PCDCDA का काम नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर, वो अपने एक अलग विंग है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की। फिर भी दोस्तों इनको एक काम जो है ऑटोमेटिक सौंपा गया है, मतलब PCDCDA का फाइनेंशियल एडवाइजर्स के तौर पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इनको बना दिया गया है, राइट, टू द जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ कमांड्स प्लस एरिया इंडिपेंडेंट एरिया, ठीक है? मान लो GOC NC जो है उसके लिए कोई एरिया के जो कमांडर है, इंडिपेंडेंट एरिया कमांडर है, इन देयर रेस्पेक्टिव ऑडिट एरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर सेंक्शन बाय देम। जो दोस्तों ये एक्सपेंडिचर को सेंक्शन करेंगे उस पर कंट्रोल रखना है, उसका देखना है, मतलब यूटिलाइज सही से हो रहा है, ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा, दोस्तों वो सारे काम जो है PCDCDA को दिए गए, राइट? तो दोस्तों ये 14 पॉइंट मैंने डिस्कस करके चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन आपको करवाई। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, अपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो है डिफेंस ऑडिट कोड का वो क्या है, राइट? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड ऑडिट पढ़ लिया 2 नंबर चैप्टर में। अब दोस्तों 3 नंबर चैप्टर देखिए, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। अब दोस्तों चैप्टर का नाम देखिए क्या है, ऑडिट करनी है किसके अगेंस्ट में, प्रोविजन ऑफ फंड्स। प्रोविजन ऑफ फंड्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फंड्स आपने किसी को दे दिए, दोस्तों आपने पैसा दे दिया, ठीक है? कितना पैसा दिया, ठीक है, वो अलग बात है, उसके अगेंस्ट में दोस्तों ऑडिट आपको करनी है, राइट? तो उसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। और दोस्तों ऑडिट बुक किताब का नाम है ऑडिट, तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको ऑडिट से ही रिलेटेड इसके अंदर मिलेगी, और दोस्तों तमाम तरीके की ऑडिट आपको देखने को मिलेगी। अभी तक कितने नाम सुन लिया आपने, इंटरनल ऑडिट सुन लिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट सुन लिया, टेस्ट ऑडिट सुन लिया, सेंक्शन की ऑडिट सुन लिया, एक्सपेंडिचर की ऑडिट सुन लिया, राइट? अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको और भी ऑडिट, कई तरह की ऑडिट देखने को मिलेगी, कि मतलब किस किस टाइप की ऑडिट होती है, राइट? यस और नो, तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसका नंबर दोस्तों पैरा नंबर 84 देखिए क्या है, आफ्टर द डिमांड फॉर ग्रांट हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट। दोस्तों जब भी डिमांड फॉर ग्रांट क्या होती है, कोई भी मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए, मान लो MOD को पैसा चाहिए, तो वो डिमांड फॉर ग्रांट पेश करेगा कि हाँ मेरी इतनी डिमांड है ग्रांट्स की। दोस्तों ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, दोस्तों ग्रांट्स का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एरिया में मैं मुझे जो पैसा खर्च करना है वो मेरी ग्रांट है, ठीक है? मान लो दोस्तों आर्मी यूनिट्स की बात करूँ मैं आपको, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे लेके जाऊँ, तो दोस्तों ATG एक ग्रांट होती है, एनुअल ट्रेनिंग ग्रांट, कि मुझे ट्रेनिंग पे कितना खर्चा करना है। दोस्तों हर साल, साल में एक बार या दो बार इनकी ट्रेनिंग होती है आर्मी की, ठीक है? तो उसके अंदर दोस्तों ट्रेनिंग की ग्रांट दी गई है, तो उसके अंदर वो ट्रेनिंग का सामान परचेज करेंगे, उनको तंबू लगाने हैं, ठीक है? ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों, और मान लो जैसे उनको फायर करना है, ठीक है? तो जो पेपर होता है दोस्तों, जिस पेपर पे मान लो ऐसे वो रिंग नहीं देखे आपने ऐसे, तो फायर करने वो परचेज करने हैं इनको, ठीक है? और भी दोस्तों ट्रेनिंग से रिलेटेड, मान लो सिग्नल की यूनिट है तो सिग्नल उनको इक्विपमेंट परचेज करने हैं, ठीक है?
राइट। तो दोस्तों अब ट्रेनिंग की ग्रांट होगी, एक दोस्तों लाइब्रेरी की ग्रांट होती है उनकी, ठीक है, एक होती है दोस्तों एजुकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट ETG होती है, राइट, एक दोस्तों कंटिजेंसी ग्रांट होती है, मतलब उसके अंदर मान लो यूनिट के अंदर कोई भी खर्चा है, मिशेनियस टाइप का खर्चा है वो है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी यूनिट है मान लो वो डिमांड फॉर ग्रांट देगी, आगे अपने ब्रिगेड को दोगी, ठीक है, फिर कोर को देगी, इस प्रकार से दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक डिमांड फॉर ग्रांट जाती है, राइट। तो दोस्तों क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट जो है पार्लियामेंट को पेश कर दी, राइट। तो दोस्तों ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एक बिल बनेगा उसका, राइट, मतलब बजट पेश होगा, कुल मिला के बात यह है, ठीक है, बजट पेश होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। दोस्तों तीन प्रकार के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, 267, ठीक है, उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट। तो दोस्तों क्या हुआ है कि एक बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ है वो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए ऑफ ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट दोज ग्रांट्स, राइट। नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल दिस बिल इज पास्ड। तो दोस्तों जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो पास होना चाहिए, राइट, और दोस्तों पास कैसे होगा, जब पार्लियामेंट उस पर वोट करेगा, राइट, द बिल व्हेन पास्ड बिकम्स अ अप्रोप्रिएशन एक्ट। अब दोस्तों ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको डायग्राम से आपको बताता हूँ, ठीक है, ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है, राइट। तो देखिए दोस्तों प्रोसेस क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों डिफेंस की डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो पेश की जाएंगी। अब आप बोलोगे सर डिफेंस की डिमांड फॉर ग्रांट कितनी है, तो दोस्तों ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये दोस्तों अकाउंट कोड के अंदर दी गई है, ठीक है, अकाउंट कोड जो किताब है उसके अंदर दी गई है, 8 डिमांड फॉर ग्रांट है, 6+2 के अंदर डिवाइड है, ये 6 भी फिर आगे 5+1 में डिवाइड है, ये 2 भी आगे फिर 1+1 में डिवाइड है, राइट। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो डिमांड फॉर ग्रांट है, जो रक्षा का बजट जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में पेश हुआ, वो दोस्तों पार्लियामेंट में गया और बजट में शामिल हुआ आर्टिकल 112 के हिसाब से। और दोस्तों हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो क्या करेंगे 1 फरवरी को दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे बजट को, इसके अंदर डिमांड फॉर ग्रांट डिफेंस की लिखी होगी आर्टिकल 112 संविधान के तहत, राइट। अब दोस्तों उन्होंने भाषण दे दिया बजट का, राइट, तो दोस्तों आर्टिकल 113 के हिसाब से एस्टीमेट बनेगा कि हाँ कितना कितना जो डिमांड फॉर ग्रांट आई है वो सही है या नहीं है, कितना एस्टीमेट है, कितना खर्चा हुआ है। अब दोस्तों उसके हिसाब से आर्टिकल 114 के हिसाब से अप्रोप्रिएशन बिल पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर, राइट। अब दोस्तों जब ये बिल पेश हुआ, जो ये बिल की बात कर रहे थे, राइट, ये जो बिल की बात कर रहे थे वो दोस्तों अप्रोप्रिएशन बिल ही हुआ, राइट। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है जो बजट के अंदर डिमांड फॉर ग्रांट आई है उस पर बहस होगी, राइट, दोस्तों आर्टिकल 114 के हिसाब से। अब दोस्तों जब बहस होगी लास्ट में दोस्तों पार्लियामेंट की वोटिंग करवाई जाएगी कि हाथ खड़े कर लो भैया, ठीक है, मान लो डिफेंस का बजट है 3 लाख करोड़, इसके अंदर अलग अलग 70 की ग्रांट आ गई, तो बोल देंगे हाथ खड़े कर लो, ठीक है, तो वोटिंग कर दो, राइट। क्लास में दोस्तों आपकी वोटिंग हुई होगी, मॉनिटर किसको बनाना है, राइट, तो उसी प्रकार की वोटिंग ये होगी, वोटिंग बाय द पार्लियामेंट, इसलिए वोटेड एक्सपेंडिचर है दोस्तों। अब वोटेड एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर का भी कॉन्सेप्ट सीख लो दोस्तों, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसमें पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं होती, ठीक है। मान लो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी देनी है, राइट, तो उसके अंदर आपको वो क्या है, वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, उस पर पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं करवा सकते। दोस्तों राष्ट्रपति की तनख्वाह देनी है आपको, ठीक है, उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट उन खर्चों को कम नहीं कर सकती, वो भारित हैं, चार्ज्ड हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, राइट। दोस्तों ये भारित शब्द आपको बहुत देखने को मिलेगा जब मैं भाग 5 आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, यस और नो। तो देखिए दोस्तों वोटिंग बाय द पार्लियामेंट, इसलिए वोटेड एक्सपेंडिचर है, राइट। अब क्या होता है दोस्तों, वोटिंग के बाद बिल पास हो गया मतलब एक्ट बन गया। पहले दोस्तों क्या होता है, बिल होता है, जब वो वोटिंग हो जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। अब दोस्तों बिल और एक्ट के अंदर क्या है फ़र्क है, अब दोस्तों आपको किसान जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था उस पर जो उनके किसान के किसानों के जो नियम बने थे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, वो बिल बना था, राइट। अब दोस्तों मान लो RTI एक्ट से समझ लो, ठीक है, RTI एक्ट में दोस्तों संशोधन हुआ था, राइट, शायद 2019 में हुआ था RTI एक्ट के अंदर संशोधन। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, बिल पेश किया गया, राइट, फिर दोस्तों इस पर पार्लियामेंट की वोटिंग हुई, तो ये बिल था, ठीक है। तो बिल के बाद दोस्तों ये एक्ट बन गया, मतलब नियम बन गया, कानून बन गया। अब दोस्तों इसको अधिनियम भी बोल देते कई बार, ठीक है। तो ये तीन सिनोनिम आपको याद रखने हैं, मतलब चारों याद रख लो, एक्ट याद रख लो, नियम रख लो, कानून रख लो या अधिनियम लिख लो, ठीक है। ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग किताबों में, अलग अलग राइटर के द्वारा लिखे जाते हैं, राइट, यस और नो। अब दोस्तों वोटिंग पार्लियामेंट की होगी, इसलिए वोटेड एक्सपेंडिचर हो गया। और दोस्तों वोटिंग के बाद बिल पास मतलब एक्ट बन गया, ठीक है, जिसको दोस्तों अप्रोप्रिएशन एक्ट बोलते हैं। अब दोस्तों अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर जितना डिफेंस का बजट इन्होंने पास किया है, जितना डिफेंस का रक्षा का बजट पास किया है, ठीक है, इनकी डिमांड फॉर ग्रांट के हिसाब से वो दोस्तों पैसा हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकते हैं, राइट। और दोस्तों ये धीरे धीरे इसको रिलीज़ करती रहती है, राइट। अब इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा अंदर आप और जाओगे तो लोकल कंट्रोल हेड, सेंट्रली कंट्रोल हेड भी आ जाएगा, ठीक है। उस बजट के अंदर दोस्तों जितने डिमांड फॉर ग्रांट का अप्रोप्रिएशन एक्ट बना है, तो कुछ पावर्स तो दोस्तों सेंट्रली जो है आर्मर्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर रखते हैं, राइट। कुछ दोस्तों क्या है, वो अपने नीचे के जो लोग हैं, अपने के नीचे की जो फॉर्मेशन है, ब्रिगेड है, कोर है, यूनिट लेवल तक कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट, लोकली कंट्रोल हेड के रूप में,
राइट दोस्तों, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक कॉपी दोस्तों पीसीडी सीडीए के पास आ गई। अब दोस्तों हमारा पैरेलल जो काम है उनके तरह चलता है, इधर आर्मी नेवी एयरफोर्स पैसा खर्च करेगी, इधर पैरेलल दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी ऑडिट करती रहेगी, फंड्स देखती रहेगी, इनकी इंटरनल ऑडिट पोस्ट ऑडिट करती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट का मोटा मोटा काम यही है, समझ में आई दोस्तों बातें। अब आगे चलिए दोस्तों, डिफेंस की डिमांड फॉर ग्रांट जो है आपको बताता हूँ मैं कितने तरह की होती है, राइट, और किस किस क्षेत्र के अंदर डिमांड दी जाती है, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, डिफेंस का बजट जो है कितनी डिमांड ऑफ ग्रांट के अनुसार प्रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों टोटल 8 डिमांड फॉर ग्रांट है, एमओडी सबमिट 8 डिमांड फॉर ग्रांट टू पार्लियामेंट, राइट, समझ में आया दोस्तों। 8 को 6+2 में बांटा गया है, 6 तो है दोस्तों प्योर डिफेंस की और 2 है दोस्तों सिविल एस्टिमेट की। 6 प्योर डिफेंस की कौन सी है, 5+1 से मैं डिवाइड करता हूँ, 5 तो है दोस्तों रेवेन्यू अकाउंट की, 1 है कैपिटल अकाउंट की। अब दोस्तों रेवेन्यू अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ऑडिट अकाउंट कोड के दोस्तों 6 चैप्टर पड़े हैं, उसके अंदर 5वें 6वें चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया है, राइट। जो डे टू डे लाइफ के खर्चे हैं वो रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है, राइट, और कैपिटल अकाउंट से दोस्तों जो बड़े खर्चे हैं उनको कैपिटल अकाउंट में बोला जाता है, राइट। तो दोस्तों कौन से, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO, ये रेवेन्यू अकाउंट के दोस्तों जो डिमांड फॉर ग्रांट है 2076 2077 2078 3078 2080 आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DRDO। अब दोस्तों 0 या 1 होगा तो कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, 2 या 3 है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई देख सकते हो। 4 डिजिट का है तो आपको 423-222 याद आ रहा होगा, ठीक है, 423-200 बाद। मेजर हेड है मतलब 4 डिजिट का, माइनर होता 2 डिजिट का, मेजर माइनर, ठीक है, मेजर सब मेजर माइनर हेड सब डिटेल ऑब्जेक्ट हेड, दोस्तों वो सारी चीज़ें याद आ रही है आपको, भूलना नहीं है उनको, राइट। एक हो गया दोस्तों कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विस 4016, और ये दोस्तों एक ही क्यों है, क्योंकि ये सबके लिए सेम है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, DRDO आपको बोल दो, राइट। 2 नंबर पर क्या है दोस्तों, 6+2 में 2 है सिविल एस्टिमेट की, 1+1 से इसको याद रखता हूँ। पहला है दोस्तों डिफेंस सिविल का, दूसरा है दोस्तों डिफेंस पेंशन का। डिफेंस सिविल के अंदर दोस्तों DAD के जो खर्चे हैं वो आ जाएगी, राइट। लोन्स एंड इक्विटीज़ टू PSU अंडर MOD, दोस्तों MOD के अंदर जो PSU आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती है MOD की, राइट। अब दोस्तों जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उनको कॉर्पोरेटाइजेशन करके PSU बना दिया गया, तो दोस्तों उनकी डिमांड फॉर ग्रांट भी तो MOD ही देगा, राइट, क्योंकि वो MOD के अंदर काम कर रही है। दोस्तों हमारे DAD डिपार्टमेंट का वहाँ से काम हटाया गया है, अकाउंटिंग हटाई गई है, राइट, लेकिन है तो MOD के अंदर ही, राइट, यस और नो। आगे दोस्तों 3 नंबर में क्या है, लोन्स टू स्टेट फॉर वाटर सप्लाई। दोस्तों वाटर सप्लाई करता होगा स्टेट, तो दोस्तों उसके लिए लोन्स जो पास करना है हमारा, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर कोड हेड होगा डिफेंस सिविल का, वो भी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर आएगा। एक हो गया दोस्तों डिफेंस पेंशन, 8, 6+2, 6 प्योर डिफेंस, 2 सिविल एस्टिमेट, 5+1 रेवेन्यू अकाउंट, ये 5ों, 1 कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस, 2 सिविल एस्टिमेट, 1 डिफेंस सिविल, 1 दोस्तों डिफेंस पेंशन, राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पैरा नंबर 85 है, ईच ग्रांट ऑथोराइज्ड इन द अप्रोप्रिएशन एक्ट। दोस्तों जो भी अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर मान लो हर साल, मान लो 2023 की जो 2022 की जो अप्रोप्रिएशन एक्ट बना उसके अंदर जितनी भी ग्रांट ऑथराइज हुई, इज इंटेंडेड टू कवर ऑल द चार्जर इंक्लूडिंग द लाइबिलिटीज ऑफ द पास्ट ईयर टू बी पेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों मान लो 2022-23 का मान लो एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, तो इस ईयर के लिए जो मान लो इस साल जो बजट पास हुआ है तो इसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट बना होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ होगा, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चार्जेस कवर होंगे, लाइबिलिटी जो पास्ट ईयर्स की है वो जो इस साल हमें पे करनी है, नंबर एक बात, या राइट, या टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ दैट ईयर, या तो पिछले साल की जो लाइबिलिटी है पेंडिंग है। ईच ग्रांट ऑथराइज इन द अप्रोप्रिएशन एक्ट इज इंटेंडेड टू कवर ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग द लाइबिलिटी ऑफ द पास्ट ईयर टू बी पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल की जो लाइबिलिटी है जो इस साल हमें पे करनी है वो आ जाएगी। दूसरा दोस्तों टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ दैट ईयर, या इस साल कुछ एडजस्ट करना है। ईच ग्रांट विच इज ऑथराइज्ड इज ऑपरेटिव अंटिल द क्लोज ऑफ दैट ईयर। अब दोस्तों जो एक जो ग्रांट जो है एक साल के लिए दोस्तों ऑथराइज्ड है उसको ऑपरेट रखा जाता है, मान लो 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है रक्षा का, तो दोस्तों वो 31 मार्च 2023 तक है जो इस साल का पास हुआ है, राइट, वो ऑथराइज है उसके लिए। एनी अनस्पेंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर लैप्सेस। दोस्तों मान लो 3 लाख करोड़ था उसके अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च हो गए, ठीक है, 50,000 बच गए, राइट, तो उसको दोस्तों क्या करेंगे अपने, वो लैप्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट को वापस चले जाएंगे, एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन इन द फॉलोइंग ईयर। अगले साल उसको यूज़ नहीं कर सकते अगले साल के लिए, क्योंकि दोस्तों बजट वापस से बनेगा, वापस अप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, राइट, यस और नो। अब दोस्तों इसके अंदर नोट दिया गया है, राइट, तो नोट के अंदर दोस्तों कुछ बातें दी गई है कि फाइनेंशियल ईयर जो है क्लोज होगा 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होगी वो परटेन करेगी फॉलोइंग ईयर से, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन था, राइट, कि मतलब जो बोनाफाइड एंट्री जो है वो अपने प्रीवियस ईयर की जो मार्च से बाद भी सेटल कर सकते हैं, 15 मार्च तक अकाउंट ओपन रहेंगे। तो दोस्तों ये तमाम तरीके की बातें जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैं डिफेंस अकाउंट कोड के भी 2 या 3 पैरा का आपको रेफरेंस दूंगा, और फिर दोस्तों अपना 85 नंबर पैरा जो है वो इसका कंप्लीट होगा, ठीक है। वीडियो दोस्तों ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, 40 मिनट से ऊपर, राइट, तो इसको वीडियो को यहीं रैप अप करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।